रनिंग इफिशिएंसी। आज हम इस वीडियो में पास्ट आपका पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है इससे प्रीवियस वीडियो में मैं प्रेजेंट कम्प्लीटली पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरे टेंस के टाइप्स डिटेली बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपका प्रेजेंट स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आपको पूरी तरीके से समझा दिया था। तो आज हम आपका पास्ट स्टार्ट करेंगे। पास्ट को आपको पता ही है, एज यू नो आई हैव टॉट यू ऑलरेडी, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था। पास्ट मतलब भूतकाल, दैट इज गोन, यानी कि बीता हुआ कल, बीता हुआ समय जो निकल जाता है उसे हम पास्ट कहते हैं। चाहे इवन वो सिंगल वन सेकेंड क्यों ना हो, वो आपके पास्ट कहा जाएगा। तो आज हम पास्ट की स्टार्ट करेंगे, पास्ट का इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की पहचान देखते हैं हर बार की तरह, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। इसकी पहचान ता था, ती थी, ती थे, ठीक है, ता थी, आदि शब्द आते हैं। यानी कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं और उनके साथ साथ आपके सका सकी भी आते हैं। सका, सकी, सके, उन्हें आप प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट भी कहते हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट या आप उन्हें सिंपल पास्ट भी कहते हैं। अब यहां आपको एक बात याद रखनी है, देखिए था और थी का मतलब ये नहीं कि हर जगह आप वॉज और वर्ड ऐड कर दें। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ वॉज वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। फिर किसका यूज किया जाएगा हम आपको भी बताएंगे। तो उससे पहले आपको कुछ थोड़े से बेसिक रूल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइए कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं ट्रांसलेशन के, हम वो देख लेना, जो हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारे थोड़े से काम आएंगे। देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें वॉज और वर का यूज नहीं होगा। फिर किसका यूज होगा, जो अफर्मेटिव होंगे उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग, ना हम इसे यूज करेंगे, ना इसे यूज करेंगे, ना इसे यूज करेंगे, हम इसे यूज करेंगे किसमें, अफर्मेटिव में। वहीं अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो यहां आप डिड नॉट यूज करेंगे। कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था कि वहां भी हमने सिंपल नॉट यूज नहीं किया था, हमने डू और डज नॉट यूज किया था अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन यहां सब जगह डिड नॉट यूज करेंगे और वर्ब की हम अगर बात करें गो, वेंट, गोइंग, गो, वेंट, गोन एंड गोइंग, देखिए ना इसे यूज करेंगे, ना इसे यूज करेंगे, ना इसे यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे नेगेटिव में। क्या इंटरोगेटिव में भी करेंगे? हाँ, इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट हो या आपके सेकंड हो, स्टार्टिंग उनकी डिड से होगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसमें आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा, वेंट, गॉन या गोइंग यूज नहीं होगा। तो ये तो थे कुछ बेसिक रूल्स। अब हम स्किप करेंगे इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव सेकंड का। सबसे पहले इसके हम अफर्मेटिव देख ले रहे हैं। अफर्मेटिव में क्या है, आपके अफर्मेटिव का सिंटैक्स देख ले रहे हैं हम। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आप यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, बस इतना सा फॉर्म है, इतना सा फॉर्मूला है, कितना इजी। जैसे कि सुरेश स्कूल जाता था, ठीक है, सुरेश स्कूल जाता था। तो सुरेश जाने की क्या है, वेंट, सुरेश वेंट टू स्कूल, ये हो गया अफर्मेटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं एक सेकंड के लिए छोड़ दे रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स अब हम इसके नेगेटिव की तरफ स्किप करेंगे। नेगेटिव, नेगेटिव का सिंटेक्स देखते हैं। जब तक आपको सिंटेक्स नहीं आएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको सिंटेक्स बनाना आ जाता है, अगर आपको सिंटेक्स बनाना आ गया तो आप किसी भी टेंस को बना सकते हैं इजीली। तो सिंटेक्स बना लीजिए एक बार, क्योंकि आपके पास एक सिंपल फॉर्म में गया तो आपके पास फॉर्मूला होता है, उसे देख के इजीली आप टेंस बना लेंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। ठीक है, उसके अलावा हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हम कल स्कूल नहीं गए थे। ठीक है, हम कल स्कूल नहीं गए थे, तो बनाइए वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। कल के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक सेकंड के लिए रोक दे रहा हूं, उसके बाद हम इंटरोगेटिव पे स्किप करेंगे। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसका इंटरोगेटिव देखेंगे। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम देखेंगे, सिंपल है, पता है सबको किससे स्टार्ट होते हैं, क्या से। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स बनाए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। क्या माया पुस्तक पढ़ती थी? देखिए, क्या से स्टार्ट हुआ, मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या वाले जो स्टार्ट होंगे इसमें, यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम, हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, उन्हें डिड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बेसिकली पढ़ते हैं, आपको सबको पता पड़ गया होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। तो डिड माया पढ़ने की, रीड दी बुक, डिड माया रीड दी बुक। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए, यहाँ एक चीज और याद रखिएगा, जब मैंने आपको इसकी मतलब इसकी पहचान बताई थी तो मैंने ये बताया था, इसमें ताता तीती तेथे के साथ साथ सका सकी भी आते हैं। अगर आपके नेगेटिव में सका वाला सेंटेंस आ जाए तो वहां आप कुड यूज करेंगे, ना कि डिड यूज करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, जैसे कि क्या हम मैच जीत सकते थे, क्या हम मैच जीत सकते थे? तो देखिए, सकता आ गया, सका सकी आ गया, तो उसके लिए आप डिड नहीं लगाएंगे। कुड वी विन द मैच, ओके। तो ये आपका एक अलग एक्स्ट्रा रूल था, स्टार बना के बना लीजिए, यानी कि अगर सका सकी आ गया, सकता वाले सेंटेंस आ गए, तो वहां डिड की जगह आप कुड लगाएंगे। ओके,
और उसके अलावा हम इंटरग्रेटेड सेकंड देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताइए? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वाक्य होंगे उनके बीच में प्रश्न सूचक वाक्य पूछे जाएंगे, कब, कहां, क्यों, कैसे। तो इसका सेकंड टाइप देखिए, उसका मैं सिंटिक्स बना दे रहा हूँ। देखिए मैं तो शॉर्टकट अपना ले रहा हूँ, आप शॉर्टकट मत अपनाइएगा, आप अलग से लिखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख लेना। चलिए सीता ने गीत कब गाया था, ठीक है। इसे कैसे बनाएंगे? When did, ऊपर देखते जाइए सिंटैक्स, सब्जेक्ट आ जाएगा, सीता सिंग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग। तो ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेकंड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। आज का क्वेश्चन यहां लिख दे रहे हैं, वह समय पर दफ्तर जाता था, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आपको करना क्या है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पास्ट एंड सेकंड, आपको चारों टाइप्स बनाने हैं और हर बार की तरह आपको उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में नीचे लिखने, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में ऐसे करके दे रखा होगा, वहां आप टाइप करेंगे, अपना आंसर लिखेंगे चारों टाइम्स बना के, जिससे कि मैं आपके आंसर्स देख के रिव्यू करूंगा। और आई होप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और उसके साथ अगर अभी तक आप मेरी चैनल से नहीं जुड़े हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और उसके साथ साथ हम पास्ट एंड अफिनिट है, अगर आपने प्रेजेंट अभी नहीं पढ़ा है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में आप प्रेजेंट को पढ़ लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून इन नेक्स्ट टेंस, यानी कि इट विल बी ऑन पास्ट कंटिन्यूअस में हम मिलेंगे।